हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्नॉल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि नया अपडेट आया है मिड डे मील से रिलेटेड, मध्यान्ह भोजन से। जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर 42 प्रधानाध्यापकों से 16 लाख वसूले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है यहाँ पर मध्यान्ह भोजन में जब बच्चों की संख्या कम रहती थी फिर भी वे ज़्यादा दे दिया करते थे, जिस कारण पर अभी कार्रवाई चल रही है। और कुछ ऐसा ही एक और अपडेट आया है जहां देख सकते हैं कि 4 साल से नहीं चखे प्राथमिक विद्यालय कृष्णनगर के 93 बच्चे MDM का स्वाद। यानी कि यहां पर बात की जा रही है आपके प्राथमिक विद्यालय कृष्णनगर की, जहां पर अभी तक जो MDM के जो मध्यान्ह भोजन दिया जाता है बच्चों को, तो उसका अभी तक यहाँ पर जो 4 साल से कोई आता पता नहीं है। और दिया जा रहा है कि विभागीय लापरवाही, फर्जी शिक्षक मामले में स्कूल के जो पूर्व प्रधानाध्यापक हैं उन पर केस हुआ था, और वर्तमान प्रधान को अब तक जो है MDM का यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रभार भी नहीं मिला हुआ है। आगे देखते हैं हम सारे अपडेट को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि कजरा सिंचांचल स्थित घोसैठ पंचायत के प्राथमिक विद्यालय कृष्णनगर घोसैठ के 93 बच्चे बीते 4 वर्षों से MDM का स्वाद नहीं चुके हैं, और प्री बाजार तालाब पर स्थित इस स्कूल में 93 छात्र नामांकित हैं। एंड एडमिशन की बात करें तो कुल 93 छात्रों का यहां पर एडमिशन हुआ है, और जो कि यहां पर यहां 5 शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं, और 93 बच्चों पर यहां पर 5 जो है शिक्षक और शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं। और फिर भी स्कूल के पोषक क्षेत्र के नामांकित ने निहाल विभागीय कूठाबंधन का शिकार है, जबकि सरकार ने शिक्षा पदाधिकारी व HM को सख्त निर्देश दिया है कि एक दिन भी MDM बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने तो जो स्कूल के हेडमास्टर है इसके अलावा सारे जो विभाग को यहाँ पर सख्त निर्देश दिया है कि एक दिन भी जो मध्यान्ह भोजन खिलाया जाता है बच्चों के MDM वो बंद नहीं होने चाहिए। और एक यहाँ पर ऐसा स्कूल का जिक्र हो रहा है जहाँ पर कि 4 वर्षों से MDM जो भोजन जो बच्चों को नहीं दिया जाता है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक दिन भी MDM बंद नहीं होना चाहिए। जिस स्कूल में बच्चे भूखे पाए जाएंगे वहाँ के HM और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ विभाग के द्वारा कहा गया है। और बावजूद विभागीय लापरवाही से 93 बच्चे MDM के लाभ से वंचित हैं, और बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए स्कूलों में MDM हर हाल में संचालित होंगे। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी जो है लापरवाही में बरत रही है यहाँ पर। और आगे दिया हुआ है कि इससे बनने से बच्चे जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और MDM बंद होने के चलते बच्चों की उपस्थिति लगातार कम हो रही है। यानी कि यहाँ पर जो अच्छी तरह से स्कूल में सुविधाएं नहीं हैं, जिस कारण यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति के अलावा नामांकन भी जो बहुत ही कम होता है। और दिया हुआ है कि वही स्कूल में बच्चों को जो मध्यान्ह भोजन नहीं मिलने से शिक्षा विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। और यहाँ पर अभिभावकों ने सामूहिक रूप से बताया कि स्कूल के जो शिक्षक हैं इसके साथ ही जो जिलाधिकारी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी है, MDM DPO बदल गया है लेकिन व्यवस्था नहीं बदला है। यानी कि यहाँ पर जो है सारे जो भी यहाँ पर विभाग के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, सभी यहाँ पर जो है DEO हैं, सारा कुछ यहाँ पर चेंज हो रहे, बदल कर दूसरे आ रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था जो है अभी तक बताया जा रहा है कि नहीं बदल पाई है। तो हमारा आज का अपडेट रहा जहाँ पर MDM नहीं मिलने से दिया हुआ है कि बच्चे जो है पढ़ाई की घंटी में गायब रहते हैं, और DPO को नहीं है मामले की जानकारी, और यहाँ के जो DPO है इनको जो मामले की जानकारी भी नहीं होती। हमारा यहाँ पर आज का अपडेट रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।